हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल टेक्नोफाइल। आई एम हुसैन गुल। आज की इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिक वेब प्रैक्टिस पार्ट टू। पिछले क्लास में हमने पार्ट वन में डिस्कस किया था कि किस तरह हम एक रूम डिजाइन करते हैं जिसमें एक विंडो हो और एक डोर हो। तो आज की इस क्लास में हम सेम वही प्रोसेस दोहराने वाले हैं। हम एक रूम डिजाइन करेंगे, लेकिन इस दफा इसमें डबल डोर लगेगी, मतलब दो साइड से खुलने वाली डोर होगी, और हम विंडो भी एक की बजाय मतलब दो तीन विंडो किस तरीके से हम यहाँ पर आसानी बना सकते हैं। लाइन की मदद से मैं इस दफा बनाता हूँ। पिछले क्लास में मैंने रेक्टेंगल की मदद से बनाया था, दफा मैं लाइन की मदद से बना रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एल स्पेस किया। एल स्पेस करने के बाद यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई कर आपको लाइन को यूज करते हुए बनाना है। तो मैंने यहाँ पे 12 फीट इसकी लेंथ थी। यहाँ पे आने के बाद मैंने चाह रहा हूँ कि भाई मुझे 12x12 का बनाना है, तो 12x12 का आप स्पेस करते जाए 12 फीट। जो भी डायमेंशन आप लाइन को देंगे वो वही डायमेंशन को फॉलो करेगा। एंड तक आप उसको लेके आए, क्लिक करें, स्केप करें, आप लाइन की कमांड से बाहर जा सकते हैं। अब मैं कमांड यूज करता हूँ ऑफसेट कमांड का। ऑफसेट कमांड मैंने यहाँ पे यूज किया और स्पेस इस जब मुझे वॉल की थिकनेस ज्यादा चाहिए तो मैं यहाँ 8 इंच की थिकनेस रख रहा हूँ। तो इनर और बाहर आप रख सकते हो, इसी तरीके से आप डायमेंशंस कर सकते हो। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैंने इसको ज्वाइन करना है, तो फिलेट कमांड यूज करता हूँ। एफ स्पेस आप इस तरीके से फिलेट करके भी इन कमांड्स जो पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा है आप अपने वर्क में इजीली कहीं पर भी बासानी यूज कर सकते हो। अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे मुझे सेंटर पर वो डोर चाहिए, जो डबल डोर जो दो साइड से खुलती हो। तो सेंटर डोर बनाने के लिए मैंने एल स्पेस किया। यहाँ पे आने के बाद मैंने यहाँ क्लिक किया। ऑफसेट 4 फीट के अगर डोर चाहिए जो अमर पब्लिक होती है, तो आपने 2-2 फीट का एक फ्रेम बनाना पड़ेगा उसको। तो मैं यहाँ 4 फीट के रखता हूँ, तो ऑफसेट क्या 2 फीट मेरे यहाँ पे एक साइड का फ्रेम दे दिया, एक साइड पे यहाँ पर दे दिया। आपने इसका फ्रेम बना लिया चौकाट वगैरह। 3 इंच थिकनेस इसकी यहाँ पे दी, 3 इंच यहाँ पर। टी आर डबल स्पेस करके बीच की तमाम लाइनों को आप इरेज करें। एल स्पेस करके यहाँ से अगर जिस डायरेक्शन पे डोर खुलता है आप उसी डायरेक्शन पे बाकी जो आपके पास स्लाइड होके आती है आप उसी डायरेक्शन पे ड्रॉ करेंगे। तो 2 फीट मैंने यहाँ पे लिए। ऑफसेट करके 1 इंच तक आप यहाँ पे ये बना सकते हो। एक्सटेंड करके आप इस लाइन को आगे बढ़ा के इसको ज्वाइन कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं आया सर्कल कमांड पे। सर्कल कमांड यानी कि मैंने एक आर्क यहाँ पे बना दिया है टी आर डबल पे, बाकी जो हमारे पास लाइन्स है आप उसको इरेज कर दें। एम आई मिरर कमांड का आप उसमें यूज कर सकते हैं। एम आई मिरर और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट स्पेस आप कोई भी मिड पॉइंट इसका ले लें, उसको आप एक डायरेक्शन दे दें, तो सेम मिरर कॉपी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जो आपके पास सोर्स उसको अगर आप इरेज करना चाह रहे हो तो आप यस करें, नहीं करना चाहो तो आप नो पे क्लिक कर दें। तो आपके पास सोर्स जो पॉइंट है वो इरेज नहीं होगी। यहाँ पे मैं इस लाइन को इरेज कर देता हूँ। एक्सटेंड कमांड से मैंने यहाँ पे इसको ज्वाइन कर दिया। तो ये बिल्कुल बेसिक हमारे पास एक डोर बन गई, जो जिसमें दो एक पल्ले मौजूद है, एक साइड से बिल्कुल दूसरी साइड से भी आप उसको खोल सकते हो। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे एक विंडो चाहिए, तो मैं यहाँ पे विंडो भी डिजाइन कर सकता हूँ। एल स्पेस करें। यहाँ पे सेंटर पे मैंने यहाँ सेंटर ये पिक कर लेगा, सेंटर पे क्लिक करें। यहाँ विंडो मुझे 6 फीट की चाहिए, तो ऑफसेट 3 फीट यहाँ पे मैंने टॉप पे, 3 फीट यहाँ बॉटम पे। टी आर डबल स्पेस लाइनों को आप इरेज करें। यहाँ पे सेंटर पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। ऑफसेट करें 0.5। या अपने ग्लास वगैरह कुछ भी इसमें थिकनेस शो करनी हो तो वो हम यहाँ पे बना देते। ऑफसेट 3 इंच आप उसको फ्रेम दे दें। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये हमारे पास एक साइड पे विंडो जो बन गई, आप उसको यहाँ पे भी मैं बनाना चाह रहा हूँ, तो आप सिंपल मिरर कमांड का यूज कर सकते हैं। सारे कमांड जो बिल्कुल पिछली क्लासेस में पढ़ा चुका हूँ इनको आपने इन्हीं कमांड्स को यूज करना है, और अपने जो आप प्रोजेक्ट बना रहे हो उसको इजी टू इजी और कम टाइम में आपने उसको कवर करना है।
ये हमारे पास एक मैप बन गई जिसमें एक डोर है, दो विंडोज मौजूद है। एक होम के अंदर टेक्स्ट यूज करना चाह रहे हैं तो टेक्स्ट यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर टेक्स्ट यूज करता हूँ। टेक्स्ट को आपने हाइट दे दी, यहाँ पर मैंने चेंज की हाइट दे दी, एंटर करें। अब डायमेंशन शो करनी है तो DLI कमांड से आप डायमेंशन शो कर सकते हैं। इधर आप यहाँ पर देख सकते हैं 12 फीट इसकी विड्थ है, 12 फीट इसकी लेंथ है हमारे पास। यहाँ पे आप विंडो की इनर स्पेस दे सकते हैं, 6 फीट के आपके पास विंडो है, जो ऑफसेट है वो आपके पास 3 इंच का है। तो डोर का आप चेक कर सकते हैं, डोर का मैं चेक करता हूँ। डोर हमारे पास यहाँ 4 फीट का मौजूद है। वन साइड आपके पास जो डोर है, डोर की एक साइड आपके पास यहाँ पर मौजूद है पूरे 2 फीट के। इस तरीके से आप इसके डायमेंशन वगैरह शो कर सकते हैं। तो एक रूम बना जिसमें आपने एक डोर डिजाइन की, जो मतलब जिसमें 2 पल्ले लगे हुए थे, 2 विंडोज आपने इसके अंदर बना दी। तो हमारे पास बिल्कुल बेसिक था। इंशाल्लाह अपनी अगली क्लास में मिलते हैं, उसमें हम पार्टी को डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा इससे एडवांस की तरफ जाएंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।